कॉलोनी में आज ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है. ये हाउस बिलोंग्स टू अब्दुल राशिद भट्ट. तो इसमें चार लोगों की कैशुअल्टी हुआ है. मेनली ये स्क्रैप डीलिंग करते थे. इन्होंने लद्दाख से कुछ माल लेके आया है, स्क्रैप है सारे, तो उसी में ट्रक से अनलोड कर रहे थे. उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है. तो इसी में कैशुअल्टी हुई है नसीर अहमद नादरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल राशिद भट्ट एंड मोहम्मद अजहर फूफू, सारे शेर कॉलोनी के रहने वाला है. क्या एज थी, कुछ लोग ये बता रहे हैं छोटे बच्चे. इसमें नाजिर का एज है 45 ईयर प्लस है, और आजिम, आदिल, मोहम्मद, अजहर सारे 20 प्लस है, 23 ईयर्स, 26 ईयर्स एंड 28 ईयर्स रेस्पेक्टिवली. क्या इस एरिया को सैनिटाइज किया गया है? अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, हमें एम्बॉकवेट कर लिया है. यहाँ पर हमारा बीडी टीम भी पहुँच गई है, एफएसएल टीम अभी पहुँचने वाला है. बाकी केस रजिस्टर कर लिया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है. ये पेशेंट्स आ गए हमारे पास, जिनमें से तीन दे आर ऑलरेडी कम, जो कि डॉक्टर्स एज पर वर्जन ऑफ डॉक्टर्स जो हमारे पास आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तीन बॉडीज जो थी ऑलरेडी ब्रॉड डेड हुई यहाँ पर. उनमें से जो एक है एक क्रिटिकली बहुत इंजर्ड था, जिसको हमने ऑलरेडी श्रीनगर मुंतकिल किया है सिकिम्स हॉस्पिटल. चारों बंदे शेर कॉलोनी है, यहाँ एक जगह है, हमें यहाँ पर सोपोर में वहीं से ताल्लुक़ रखते थे. इस पर इनपुट जो हमारे पास आ गई, वो कुछ कबाड़ी का काम कर रहे थे वहाँ, शायद कुछ अनलोड कुछ कर रहे थे अपने ट्रक से या किसी और चीज़ से अनलोड कर रहे थे, जो हमारे इसमें आ गया है राइट नाउ. अभी हम तो बता नहीं सकते हैं, ये ऑलरेडी इस पर तहकीकात चल रही है पुलिस की तरफ से, तो आगे के पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो देखेंगे क्या. तीनों शेर कॉलोनी के हैं, एक का नाम अभी हमें ये मौसूल नहीं हुआ है. बस जो तीन है, इनका नाम नज़ीर अहमद नदरू और एक आजिम अशरफ और आदिल रशीद भट्ट, जिनको हमने श्रीनगर मुंतकिल किया हुआ है. एक ही अभी हम कर रहे हैं कि इनका नाम क्या है, पता करवा रहे हैं.